टुडे वी स्टार्ट टॉपिक पॉलीनोमियल रिंग्स। वी ऑलरेडी स्टडी सम ऑफ द रिंग्स लाइक दैट। हम कुछ रिंग्स स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि ये इंटीजर्स, रैशनल, रियल। आज हम स्टडी करना चाह रहे हैं रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स, रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स ओवर आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? कि पॉलिनोमियल्स का रिंग हो जिसकी एंट्री रिंग आर से हो। कैसे? लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। हम एक सेट बना रहे हैं इसकी फॉर्मल नोटेशन है। इसके अंदर पॉलिनोमियल्स आएंगी जिसके कोफिशिएंट रिंग आर से होंगे, और एन जो है, ये पावर की जो बात करें, इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस सेट को हम कहते हैं इज कॉल्ड रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स ओवर आर। यहां पर एक्स क्या है? इन द इनडिटर्मिनेट एक्स, इनडिटर्मिनेंट एक्स। देखो, ध्यान रखना है कि एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डू नॉट रिप्रेजेंट अननोन एलिमेंट्स और वेरिएबल फ्रॉम द रिंग। बिफोर गोइंग टू फर्दर, वी विल डिस्कस थ्री बेसिक थिंग्स अबाउट दैट। टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, अब इसको रिंग प्रूव करेंगे आगे चल के। टू एलिमेंट्स, वन इज नेम एज ए एन एक्स एन, वन इज दे नेम एज ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन ए नोट। सेकंड इज बी एम एक्स एम, बी एम माइनस वन एक्स एम माइनस वन बी नोट। यदि हम इन दोनों को इक्वल कंसीडर करें, इक्वल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए आई इक्वल टू बी आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Taking the concept in mind that ai equal to 0 when I is greater than n, क्योंकि पावर n तक दिखा रही है, अगले वाले सारे ai आई जीरो हैं, एंड bi आई जीरो वेन आई इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन n, इक्वल टू ग्रेटर देन n। अब हम एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, सेम थिंग, इसको हमने लिखा हुआ क्या, एक वेरिएबल, इसका नाम रख, पहला लिया हमने एफ एक्स, ए एन एक्स एन
ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन ए नोट जी एक्स बी एम एक्स एम माइनस वन बी एम माइनस वन एक्स एम माइनस टू। जनरली हम एक बात लिखते हैं साथ में कि मैक्सिमम जो पावर है जिसकी कोफिशिएंट क्या है यहां पे दिस, हम इसको जनरली नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। जनरली व्हाट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स, हमने लिखा जी ए एस प्लस बी एस एक्स रेज टू द पावर एस ए एस माइनस वन बी एस माइनस वन एक्स रेज टू पावर एस माइनस वन अप टू लास्ट ए नोट प्लस बी नोट। आपको सर एस तो नहीं था, एस कहां से आ गया? एस इज मैक्सिमम ऑफ एम एंड एन, और एक बात मान लिया जाता है कि ये मैक्सिमम है और ये कम है, तो मैंने अभी बताया ऊपर से इससे आगे वाली टर्म्स को जीरो माना जाता है। यानी कंसेप्ट क्या यूज कर सकती है, ए आई इज इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन एन एंड बी आई इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन एन, करेक्ट? इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन का, एफ एक्स फोर एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री और जी एक्स थ्री एक्स फोर 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। यहां पर रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है z3 z5 x। जब ऐड करेंगे तो 4 पावर में 4 पावर जुड़ेंगे, यहां 4 पावर नहीं है तो इसलिए उसकी जगह पर जीरो कंसीडर किया जाएगा, 3x की 4 ये इसमें जुड़ेगा तो वैसे तो 7 आएगा, बट इसकी प्रॉपर्टी है कि हमने रिमाइंडर लिखना है, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा 2x क्यूब, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 क्योंकि 5 आएगा, 5 का रिमाइंडर 0 डिवाइड इधर 2x और इधर फिर 7 7 का 2 आएगा, तो ये हमारा इस प्रकार एडिशन हो गया। ओके, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स का नाम भी देते हैं, ये एफ एक्स था ये जी एक्स था, तो प्रोडक्ट कैसे लिखी जाएगी, सिंपली प्रोडक्ट जैसे करते हैं हम एफ एक्स इंटू में जी एक्स, इट इज रिटन लाइक दैट ए नोट ए वन एक्स ए एन एक्स रेज टू पावर एन इंटू बी नोट बी वन एक्स बी एम एक्स एन। दिस प्रोडक्ट कम्स टू बी सी एम एन एक्स रे टू पावर एम प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस वन एक्स रे टू पावर एम प्लस एन माइनस वन लास्ट सी नोट। व्हाट इज सी नोट हियर,
द सी के इज रिप्रेजेंटेड एज ए के बी नॉट ए के माइनस वन बी वन ए वन बी के माइनस वन एंड ए नॉट बी के फोर के इज इक्वल टू जीरो वन टू एम प्लस एन. नाउ अप्लाई ऑन दिस. यदि हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहां पावर थी तीन और यहां थी चार, तो हमारा आंसर आना चाहिए सी सेवन एक्स सेवन सी सिक्स एस सिक्स लाइक दैट. तो सी सेवन, सी सेवन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सी सेवन यानी कि ए सेवन एंड देन बी नॉट. नेक्स्ट देन ए सिक्स बी वन ए फाइव बी टू ए फोर बी थ्री ए थ्री बी टू ए फाइव बी वन सेवन सिक्स सिक्स सॉरी थ्री फोर फाइव नहीं फिर यहाँ है टू फाइव वन सिक्स एंड ए नोट बी सेवन. तो इसको देखे तो इसमें ए नोट ए वन ए टू और ए थ्री है, ये तो है ही नहीं, दीज आर जीरो. इधर से देखे तो इसमें बी नोट बी वन बी टू बी थ्री और बी फोर है, बी बी फोर तक इसके आगे वाले नहीं है. इट मीन सी सेवन कैलकुलेटेड वाया दिस, ये क्या है बी थ्री ए थ्री बी फोर जो कि प्रोडक्ट के हिसाब से ट्वेल्व और इस रूल के हिसाब से टू. टू कौन से रूल में आया, मोड मोड ऑफ फाइव लिया, क्योंकि हम किस ग्रुप में ले किस पॉलिनोमियल में स्टडी कर रहे हैं, इस रिंग. नेक्स्ट सी सिक्स, सी सिक्स सॉरी ए सिक्स बी नोट ए फाइव बी वन ए फोर बी टू ए थ्री बी थ्री ए टू बी फोर ए वन बी फाइव ए नोट बी सिक्स. अभी अभी हमने पढ़ा था कि ए फोर तक की वैल्यू तो है ही नहीं, ए फोर ए थ्री से स्टार्ट है. सिमिलरली पढ़ा था कि बी फोर के बाद कोई नहीं है, तो दीज टू टर्म्स लेफ्ट. व्हाट इज ए थ्री, ए नोट ए वन ए टू ए थ्री दैट इज फोर. बी थ्री ए नोट ए वन ए टू ए थ्री दैट इज थ्री प्लस ए टू ए वन ए नोट ए वन ए टू टू ए बी फोर थ्री, तो टोटल ट्वेल्व एंड सिक्स एटीन विच प्रोवाइड्स अस थ्री मोड फाइव. सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट एफ एक्स इंटू जी एक्स. और पॉलिनोमियल रिंग कौन सा लेना चाह रहे हैं, हम ये लेना चाह रहे हैं. तो वी हैव स्टडी द थ्री कंसेप्ट, हाउ वी कैन ऐड टू पॉलिनोमियल्स, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स एंड थर्ड थिंग इज दैट व्हेन टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल.
एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल हूज कोफिशियंट्स बिलोंग्स टू रिंग आर, हूज कोफिशियंट्स बिलोंग्स टू रिंग आर. इफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए आई इज जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन एन, देन वी से दैट पॉलिनोमियल डिग्री इज एन. जैसे कि ये इसमें क्या है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो और इसके बाद के जितनी भी सारी टर्म है उन सब का कोएफिशिएंट जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री एन है. एक सिचुएशन ये भी आ सकती है, इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर जीरो विच इज नेम एज ए जीरो पॉलिनोमियल, विच इज नेम एज ए जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, सेकेंड थिंग वन आंसर ऑल्सो इज दैट इन वन केस वन सिचुएशन इज दैट दिस नेम एज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, वन इज जीरो पॉलिनोमियल वन इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. What is difference between zero polynomial means zero polynomials coefficients all coefficients are zero and constant polynomials means a naught is not zero and remaining are zero. The degree of constant polynomial is zero. Degree of constant polynomial is zero and degree of zero polynomial is not defined. One important property, degree of fx polynomial and degree of minus fx. Minus fx is actually nothing but additive inverse of fx. We soon studied. Okay. Now one basic question arises here. Before going to the proof that ki polynomial ring of polynomial over R is actually a ring, before going to proof of this question, we think on the some question arise in your mind. First question is that fx and gx are two non-zero polynomials of polynomial ring this. अभी हमने पढ़ा था कि इनका एडिशन भी हो सकता है और इनकी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट भी हो सकती है. एडिशन और प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं. और अभी डिग्री का कंसेप्ट पड़ा है एफ एक्स की. इफ एफ एक्स हैज डिग्री एम, जी एक्स हैज डिग्री एन, तो व्हाट वी कैन से अबाउट डिग्री ऑफ सम. दूसरा क्वेश्चन, what is answer about its degree of their product. Okay, the two question arises, addition ki degree kya hogi aur product ki degree kya hogi. Ye do question hai, inke upar humne jawab dena hai. Dekho, fx a naught ए वन एक्स ए एन एक्स एन है, जी एक्स बी नोट बी वन एक्स बी एम एक्स एम है. ओके, व्हाट इज इट सम. एफ एक्स प्लस जी एक्स ए नोट बी नोट से चलते हुए ए एन बी एन
एक्स एन, देन बी एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन से बी एम एक्स एन इन केस एम इज ग्रेटर देन एन। ए नोट बी नोट ए एम बी एम एक्स रे टू द पावर एम प्लस बी एम प्लस वन ए एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन टू ए एन एक्स वेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन एम। एंड लास्टली ए नोट बी नोट टू ए एन बी एन एक्स एन इफ एन इक्वल टू एम। दिस केस शो दैट दिस केस शो दैट कि डिग्री इज कम्स टू बी एम। दिस केस शो दैट डिग्री इज कम्स टू बी एन and this case show that degree is comes to be less than equal to n. Why? This may be zero. This may be zero. So ultimately conclusion that degree of fx plus gx is m if m is greater than n, n if n is greater than m, less than n if m equal to n. Overall conclusion, degree is less than equal to maximum of mn. Maximum of mn. Next point. Now product. In product, we seen the product in the form of this C Mn X M plus N like that. इसकी वैल्यू क्या देखी थी हमने अभी बताया भी था C Mn एक्चुअली में कुछ और नहीं A N B M आएगा A N और B M हमने कंसीडर किया हुआ रिंग पॉलिनोमियल रिंग polynomial ring. If this polynomial ring is without zero divisor, as we ask that fx has degree m and this has degree m, it means this is not equal to zero and this is not equal to zero. यानी कि ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, तो ये भी जीरो नहीं आएगा. जीरो नहीं आएगा तो डिग्री बन जाएगी आपकी एम प्लस एन। इन केस इज ए रिंग आर इज ए रिंग आर ए रिंग विद जीरो डिवाइजर तो इससे गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये नॉन जीरो होगा। यदि ये जीरो हो गया तो डिग्री इसकी एम प्लस एन से लेस हो जाएगी और यदि यदि नॉन जीरो हो गया तो डिग्री एम प्लस एन हो जाएगी। करेक्ट तो वी से दैट एफ डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम प्लस एन। मैंने कहा है कि गारंटी कब दे रहे हो जब विदाउट रिंग के पास क्या हो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जनरली यदि हमें आर इज इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है तो उसमें ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होती है। तो इंटीग्रल के इंटीग्रल डोमेन के केस में क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू में जी एक्स इज नथिंग बट सम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स रिमेनिंग वी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।